नीचे से उसको कर रही हूँ। 1000 रुपये को करना ही कर दिया, वो रख दिया है। रात हो गई बूजी, माँ जी घूमने जाएंगी, अब जाने दे, आज तू मेरे पास। कितने दिन हो गए? आज कर रहे हैं। दीदी आपने सेम कपड़े पहन रखे हैं दोनों ने। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे? मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं नहा ली हूँ और अब आ गया मैं कपड़ा सुखाने के लिए। तो ये रहे मेरे कपड़े, तो अब मैं सुखाऊंगी इनको। गाइस ये सुबह सुबह धुल जाते हैं तो आराम से सूख जाते हैं। और देखो गाड़ी कैसी ख़राब हो रही है इसका। अब की बार जाएंगे तो कबर लेके आएंगे इसका। देखो सारे में धूल हो गई है। अब की बार ये जाएंगे ना 4-5 तारीख के आसपास जाएंगे तो तब लेके आएंगे। जो सामान हमारा छुटा हुआ उसको ले जाएंगे। गाइस इतना ध्यान करने के बाद भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, ये देख लो आप। चलो कपड़े सुखा लेती हूँ। मम्मी ने गाइस ये बांध दी थी कपड़े सुखाने के लिए, एक ये बांध दी थी यहाँ पे डोरी और एक यहाँ पे बांध दी थी। अब यहाँ पे आराम से सूख जाएंगे कपड़े। गाइस देखो ये पौधे भी हरे हरे हो गए। दो दिन बारिश हो गई है ना, तो उसकी वजह से हरे हरे हो गए। देखो यहाँ पे ये है और हम लगाएंगे पहले के लगे हुए हैं। यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। एक यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है और हम बाद में लगाएंगे। गाइस मैं कर रही हूँ सूख के फिटिंग। गाइस ये ना मैंने घर पे ही काट लिया था बाजू पे से, अब दोबारा इसकी फिटिंग जा रही थी। बस नीचे से उसको कर रही हूँ। 1000 रुपये को गाइस मैंने कर दिया, वो रख दिया है। रह रहा है अभी, जब पूरी फिटिंग हो जाएगी ना तब दिखाऊंगी कैसा लगेगा। वैसे इससे मैं थोड़ा लूज ही रखूंगी, फिर धुलने के बाद ना थोड़ा टाइट हो जाता है, फिर मुझे ज़्यादा टाइट भी अच्छे नहीं लगते गाइस। और इसको तो पत्ता भी दिखाऊंगी आपको क्या क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत मैं दिखा दूंगी आपको। और अभी बस थोड़ी सी देर और है, ये हो जाएगा, उसके बाद खाऊंगी खाना भी। गाइस खाना भी नहीं खाया है, इसको पूरा करने के बाद भी कभी खाना खाऊंगी। गाइस मैंने अपने सूट पे कर लिया फिटिंग, ये रहा सूट मेरा। थोड़ा सा गाइस नीचे वर्क है इसमें और बिल्कुल सिंपल वर्क है। और इसके इसमें थोड़ी बाजुओं में पतला सा वर्क। अरे गाइस मैंने ये फिटिंग करी है ना, उसकी वजह से हो रहा है। अभी इस पे प्रेस होगी ना तब जाके थोड़ा बहुत ठीक होगा। गाइस मैंने थोड़ी थोड़ी ट्राउज़र पे करी थी, थोड़ा मेरा लूज था ट्राउज़र, तो मैंने थोड़ी थोड़ी करी है इस ट्राउज़र पे। ये रहा ट्राउज़र गाइस बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई वर्क नहीं है। और इसमें है, इस पूरे सूट में है, इसमें नहीं है। और गाइस दुपट्टा भी इसका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने ज़्यादातर सूट जो लेती हूँ ना वो दुपट्टा अच्छा लगता है ना मुझे, तभी सूट लेती हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे ना दुपट्टा हो ना अच्छा हैवी हो वही थोड़ा अच्छा लगता है। यानी कि थोड़ा अच्छा सा हो, इतना हैवी भी नहीं कि ज़्यादा ही हैवी हो, पर हाँ सुंदर सा लगे। यानी कि ये है कि थोड़ा अलग हटके हो दुपट्टा, जो बिल्कुल प्लेन से आता है ना। एक ग्रीन वाला सूट है ना, उसका तो थोड़ा प्लेन है लेकिन उसमें भी थोड़ा बॉर्डर है, उसको भी मैं बाद में फिटिंग करूँगी। अभी तो ये गाइस एक एक करके फिटिंग करूँगी, अभी भी इतना वो नहीं है कि कानों को भी रखना पड़ता है, घर का काम भी, तो धीरे धीरे कर ही लूँगी। बैठ के मशीन तो हम लेके आए गाइस, एक मशीन लेके आए और एक घंटे छोड़ी आए हैं। गाइस मैं दुपट्टा दिखाती हूँ आपको एक बार। सो गाइस ये है दुपट्टा इसका। गाइस इसका दुपट्टा देखो, आप बताना गाइस कमेंट करके कि मेरा ये वाला सूट कैसा लग रहा है। ये है गाइस इसका दुपट्टा, इसमें ना छोटे छोटे सितारे आ रहे हैं। ये दुपट्टा इसका, इसके इसमें ही वर्क में मिल रहा है थोड़ा ये पिंक कलर ये सारे हैं ना, तो इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा दुपट्टा, से ज़्यादा अच्छा लगेगा ये सूट मुझे लग रहा है। और पहनने के बाद पता चलेगा गाइस कि कैसा लगेगा। चलो इसको रख देते हैं और कल या परसों मैं देखूंगी वो जो ग्रीन वाला है ना वो भी आपको दिखाऊंगी, वो कैसा लगेगा फिटिंग करने के बाद दिखाऊंगी। चलो गाइस रखवा देते हैं। गाइस कानू के डैडी जा रहे हैं कहीं बाहर आराम से, पीछे वो है तार बंधा हुआ है। गाड़ी भी गाइस खराब होगी, इसका कवर लाना पड़ेगा। और अभी इसमें और आग लगानी पड़ेगी, ढेरी लगी हुई है कूड़े की। उधर थोड़ा वो पड़ता है गाइस, ईंट है ना, इधर ईंट आराम से निकालनी पड़ेगी आपको। बाय, उधर से बैक करके लेके आएंगे। और गाइस कपड़े भी हमारे सूख गए हैं। गाइस अभी दोबारा आए और गाड़ी खड़ी है वहाँ पे,
चश्मा भूल के चश्मा लेने के लिए आए हुए हैं, अब चश्मा लेके जा रहे हैं। और हमारे कपड़े गाइस सूख गए हैं, मैंने वो तो सारे उतार लिए हैं, वो तो इन्होंने लगाया, अभी ये हमारे सूखे हैं, अब इनको उतारना है। डैडी गए, अब शाम को आएंगे डैडी, तो है ना, शाम को फिर दूध लेने जाएंगे तब आएंगे डैडी। चलो अब सो जाओ आप, ठीक है, सोई सोई करोगे ना। चलो बेड देख रहा है आपको, ये बोल रहा है कानू आएगा मेरे पास, है ना, सोने के लिए। गाइस कानू अंदर नहीं रहता है, देखो बार बार बाहर आ रहा है भग भग के, इसका मन ही नहीं लग रहा है ना, मन नहीं लग रहा अंदर कानू का, मन नहीं लग रहा। देख माँ जी खड़ी उधर, ये छोटा बेबी खड़ा, छोटा बेबी खड़ा, इसके साथ खेलो जाके, आपके साथ खिलाने लेके आई है, वो बुला रही है आपको, छोटा बेबी बुला रहा है, कितने मम्मा की गोदी में है वो। हाँ कानू चले अंदर, अंदर चलोगे, नहीं जाओगे। गाइस अंदर जाता है तुरंत रोने लग जाता है, पता नहीं इसके क्या हो रहा है, बाहर की हवा सूट हो गई इसके, है ना, बाहर की हवा लगी कानू को। चलो बूजी को बुला लो, फिर चल रहे हैं बाहर घूमने कहीं, ठीक है। माँ जी को बात करने दो, माँ जी बातें कर रही हैं, हमको खाना बनाना है अब। गाइस दोपहर तुम सो गए थे, कुछ भी व्लॉग नहीं बन पाया था, अब शाम के बज रहे हैं 7, अभी मैंने वीडियो डाली है 7 बजे वाली, और अब मैं आई हूँ बाहर कानू को लेके, 2 बार आ गई जब से उठा है, बाहर बाहर भग रहा है। अब इसने मुझे मशीन भी नहीं चलानी थी, मशीन चला दी थी, बार बार उसके पास आ रहा था। चलो गाइस इसको घुमा लेते हैं थोड़ी देर, फिर जाऊँगी अंदर। गाइस कानू और कानू की बूजी आ गए हैं। ना आएगा ये नीचे, बैठ जाएगा अब आराम से, उस दिन भी ऐसे बैठ गया था इसको, अभी बैठे हुए हैं वहाँ पे। कानू रात हो गई, बूजी माजी घूमने जाएंगी, अब जाने दे, आज तू मेरे पास। गाइस आज मैं नहीं जाऊंगी, आज इसकी बूजी माजी जाएंगी, हम घर पे रहेंगे। ओ मैया मैया चल रहे हो कानू, इसको बढ़िया खेलने के लिए मिल रहा है, वहाँ पे तो घुटा घुटा रहता था ये अंदर अंदर, और यहाँ तो बस इसको आसमान पेड़ पौधे सारी चीज़ें दिख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। कानू हाँ सीख जाएगा ऐसे चलना, ये रात हो गई है गाइस, देखो सब बच्चे खेल रहे हैं। कानू आंटी बोल देना। गाइस मम्मी और दीदी घूमने के लिए जा रही हैं, दीदी आपने सेम कपड़े पहन रखे हैं दोनों ने। जल्दी आ जाना, बट जल्दी हमारा मन नहीं लगेगा, जाओ जल्दी। चलो कानू चल रहे हैं, डैडी ने गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी, अब पहले वहाँ पे खड़ी करी थी, अब यहाँ पे खड़ी कर दी ना। चलो 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 घर चल, कानू चलो अंदर चल रहे हैं, लड्डू गोपाल हमारे अकेले हैं ना, चलो उनके पास बैठेंगे। लड्डू गोपाल ये रे बैठे लड्डू, ये बैठे है ना, हाँ सूती ड्रेस पहन रखी है लड्डू ने। क्या बोल रहे हो डैडी, क्या बोल रहे हैं? अच्छा फोन पे बात कर रहे हैं, हमको लगा मुझे कुछ बोल रहे हैं ना। चलो देखो गाइस कानून अपनी ग्लासी देखो कहाँ रख रखी है, पानी पी ले इसमें, है बहुत देर से खेल खेल के पागल हो गया तू बाहर, बैठना सीख लो चेयरों पे। ओ फोन को ऐसे छेड़ोगे आप, लोग गंदे हो रहे हो गाइस, पसीना पसीने होते रहेगा, लेकिन इसको बाहर निकलना जरूरी है। हाँ अब सोने का मन होगा, फिर रात पूरी रात परेशान करना है ना। चलो गेट बंद कर दो, कीड़े आ जाएंगे बाहर से, नींद आ रही है आपको, ठीक है। गाइस इन्होंने करे हैं आज एसी के फिल्टर साफ, वैसे जब हमने एसी लगवाई थी तो वो करके नहीं गए थे, तो ये बोल रहे थे चलो कोई नहीं मैं कर लूँगा, आज कर रहे हैं ये, देख लो इतने दिनों में। कितने दिन हो गए, आज कर रहे हैं, और अभी रात को आके तब करने लगे, मैं बोल रही थी सुबह करके चले जाना, लेकिन नहीं अभी करेंगे है ना, डैडी अभी करके जाएंगे, तू भी सीख ले। देख लगा दी डैडी ने,
बंद कर दी, एसी बंद कर दी। एक काम और करना, मेरा हाथ नहीं जाएगा इस पे ना, साफ और कर देना इसको। लेके लाओ, लेके आ रही हूँ मैं कुछ कपड़ा। देखो थोड़ा थोड़ा इसमें दाग से लग रहे हैं, जैसे आई थी ना गाइस ये गाड़ी में, थोड़ी खराब हो गई है, अच्छी नहीं लग रही। लाओ कॉलिन, पकड़ बेटू, बैठ तू यहाँ पे, डैडी को देने दे सामान। बैठेगा भी तो नहीं, सारा बेड खराब करके रखता है, दोबारा बेड शीट चेंज करनी। ऐसे करो, हाँ मैंने बंद कर दिया। तो गाइस मैंने ये ड्रेसिंग और ये बेड वेड साफ करे थे ना, बस ये एसी एसी रह रही थी, अब ये कर देंगे। कानू सारे बाल तोड़ देगा मेरे, तू गंदा। देख डैडी ने साफ कर दी, बिल्कुल क्लीन कर दी। नीचे से भी कर देना थोड़ी सी, इधर भी इसमें दाग से लगे हुए हैं, कर देंगे अब। चलो गाइस एसी कर दिया बिल्कुल क्लीन। लो इसको बाहर रखे आऊंगी इस कपड़े को मैं, और कानू को देखो गाइस अपने डैडी के पीछे पीछे घूम रहा है। जाओ जाओ खेली खेली कर लो, पर्दे हटाए। गाइज इस ब्लॉग में पे एंड करती हूँ, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज गाइज इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले दिखाई दे। तो सभी को बाय बाय।